नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कनान कांद्री में किराना दुकानें खुली, कलमेश्वर में 184 कोरोना पॉजिटिव, 45 ने किया रक्तदान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कनान कांद्री में किराना दुकानें खुली, व्यापारी संघ द्वारा कनान कांद्री में जारी फुल लॉकडाउन का व्यापारियों द्वारा विरोध करने के बाद शुक्रवार से नगर की सभी दुकानें राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार प्राप्त से 11 बजे तक के लिए खुल गई, जिससे नागरिकों ने राहत की सांस ली। किराना दुकानें बंद करवाने को लेकर नागरिकों ने दुकानदार संघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध अच्छा खासा रोष है। दुकानदारों के साथ ही नागरिकों का कहना है कि जब पूरे नागपुर जिले में किराना दुकानें खुले हैं, तो केवल कनान में ही इसे बंद रखने का क्या औचित्य है, यह समझ से परे है। नागरिकों का कहना है कि दुकानदार संघ के पदाधिकारी ने दुकानदारों की भलाई की बात सोचने के बजाय उनकी रोजी रोटी रुकवाना तथा अपने नगर के नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं के लिए इधर उधर भटकना कहां तक उचित है। व्यापारियों ने व्यापारी संघ के नीतियों में बदलाव हेतु उचित कदम उठाने की मांग की है। तो वही दूसरे और कलमेश्वर में 184 कोरोना पॉजिटिव। कलमेश्वर ग्राम ने शहर में 50 कोरोना संक्रमित पाए गए तथा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में 134 कोरोना संक्रमित पाए जाने से शुक्रवार को कुल 184 कोरोना संक्रमित पाए गए। तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के गोंडखेरी 12, कलम्बी 8, आष्टीकरा 2, निमजी 5, सोनीगांव 2, लानोरा 1, गुमथला 3, दहेगांव 3, केतापार 4, सावंगी 7, लिंगा 1, 14 मिल 2, घोगली 2, सेलू 1, खापरी 1, ऊपरवाही 2, धापेवाड़ा 2, बोरगांव 2, सावली 4, टोंडा खैरी 2, वरोड़ा 3, झुनकी 4, सिंधी 1, घोराट 4, खैरी 2, मोहपा अर्बन 15, मांडवी 8, पानुबाली 10, कन्नाडोल 1, उबाली 3, मोहली 3, देवबल्डी 1, खैरी 1, वाडोना 1, खुमारी 2, तेलकामटी 2, नांदीखेड़ा 1, खुर्सापार 1 का समावेश है। ग्रामीण क्षेत्र के गोंडखेरी, धापेवाड़ा, मोहपा, टिस्टी सेंटर पर 217 की जांच की गई तथा 134 संक्रमित पाए गए। तो वही तीसरे और 45 ने किया रक्तदान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दबाव के कारण वर्तमान में सभी ओर रक्त संकलन की कमी हो गई है। इसमें हाथ बटाने के उद्देश्य से बोरी सिंगारदीप ग्राम के शिव शक्ति अखाड़ा के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नीलेश गावंडे एवं कामरान के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर शिविर का प्रारंभ हुआ। रक्तदान शिविर की व्यवस्था लाइफलाइन ब्लड बैंक नागपुर की टीम ने संभाली। शिविर में लगभग 45 युवकों ने रक्तदान किया। नीलेश गावंडे, कामरान आदि ने सहयोग प्रदान किया। शिव शक्ति अखाड़ा बोरी प्रमुख पायल येरने ने आभार माना। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।